दोस्तों, हम हमेशा कहते रहते हैं कि कल किसने देखा है, क्या पता कल हो ना हो। और शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि जो है आज है और इसे ही जी लो। वहीं लॉकडाउन से तो ये साबित हो गया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कोई मोड़ ले सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस सोच को एक बार के लिए थोड़ा साइड में रखकर भविष्य की तस्वीर के बारे में सोचें, तो आपके ख्याल में क्या आएगा? यहाँ अगर हम डेटा तकनीकी के आधार पर यह अनुमान तो लगाएं कि भविष्य कैसा होगा, तो कुछ डेटा के हिसाब से हम भविष्य की तस्वीर देख सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। इस वीडियो में मैं आपको उन तकनीकी के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद दुनिया 2050 से पहले ही देख लेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा अंत तक। इसलिए वीडियो पर बने रहिए मेरे साथ। भारत का गगनयान। इसरो की कामयाबी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की ताकत क्या है। इसरो जिसने 104 सैटेलाइट को एक साथ छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, उसी इसरो ने पहली ही बार में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करके कामयाबी हासिल कर ली थी। इसरो ने कम बजट के साथ ये सारी सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी कमी है जो हमें थोड़ा पीछे करती है। वो है कि अकेले भारत को स्पेस नहीं भेज सकता। हमने जब भी स्पेस में जाना चाहा तो किसी न किसी देश की मदद जरूर ली है, लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का कहना है कि जल्द ही 2023 में भारत अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस में भेज देगा, वो भी बिना किसी देश की मदद के। लॉकडाउन की वजह से इसकी तारीख में थोड़ा बदलाव आ गया था, लेकिन अब सब ठीक है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगकर इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। 10,000 करोड़ की लागत वाले इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशन होंगे, जिसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा, जिसके तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके साथ इसरो अपने मिशन चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर रोवर पहुंचाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा वेंचर लॉन्च करेगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 में अलग से लेजर डेवलपर वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा, जो इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। इसरो का आदित्य L1 पहला भारतीय सोलर कोरोना ग्राफ स्पेस क्राफ्ट मिशन होगा, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इस साल में प्रक्षेपित किया जाएगा। 7 उपकरणों से सुसज्जित आदित्य L1 सौर की सतह की गतिविधियों का विस्तार से अध्ययन करेगा। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने बढ़ते कदमों की रफ्तार लगातार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए मिशन की तैयारी कर रहा है। इसरो ने हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 तक लॉन्च हो सकता है। ये इस ग्रह से जुड़ा भारतीय स्पेस एजेंसी का पहला मिशन होगा। ये मिशन लगभग 4 साल में पूरा होगा। इस दौरान कई इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इस ग्रह पर अध्ययन किया जाएगा। अगर किसी वजह से ये 2024 में लॉन्च नहीं हो पाता, तो इसके लॉन्च की अगली तारीख 2026 है। विश्व की जनसंख्या। दोस्तों, एक समय था जब चीन दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देशों में सबसे पहले आता था, लेकिन ये आंकड़े जल्द ही बदलने वाले हैं। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत उसकी जनसंख्या की वृद्धि में काफी कमी आ गई है। अगर यही हाल रहा तो 2024 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते तो पूरी दुनिया की जनसंख्या ही 9 बिलियन हो जाएगी और भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। और ऐसा हुआ तो भारत में गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। वहीं कुछ आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि अगर जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में अमेज़न के जंगल का आधा हिस्सा भी इंसान के बसने में खत्म हो जाएगा, और इतनी जनसंख्या के चलते और भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। शायद आधी दुनिया के पास तो पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। इस वक्त दुनिया की 70% आबादी शहरों में रह रही है। बदलती जलवायु। 2037 तक ये माना जा रहा है कि बदलते क्लाइमेट के कारण दुनिया के ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और वो आर्कटिक महासागर में चली जाएगी, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जिससे पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब से चीन को निजी तौर पर काफी फायदा हो सकता है। चीन का यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता खुल सकता है। एलन मस्क। आने वाले साल पूरी तरह से एलन मस्क के हो सकते हैं। जहां भारत 2023 में स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 2024 तक एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलन लोगों को भेजने के बजाय पहले कार को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं,
और ये मिशन अगर सफल हो जाता है तो मस्क का अगला मिशन होगा मानव को मंगल पर भेजना, जिसे वो 2026 से 2027 तक पूरा करने की बात कर रहे हैं। इंसान से पहले कार को मंगल पर भेजने की योजना के पीछे मस्क का यह अनुमान है कि क्या ज्यादा संख्या में लोगों को मंगल पर भेजा जा सकता है। मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देखते हैं। इसके लिए मंगल पर बिल्डिंग बनाने का मटेरियल, कंप्यूटर और न जाने कितनी तकनीकी जरूरत होगी। इसके लिए धरती से मंगल पर सामान भेजना होगा, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा मस्क 2025 तक वो अपने नए मिशन न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के सामने ला देंगे। न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट में एलन मस्क इंसान के दिमाग में एक चिप लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मानव मस्तिष्क में चिप लगा हुआ देख सकेंगे, और जिस तरह से किसी मोबाइल फोन के लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से चिप लगे इंसान को भी कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इस चिप की मदद से दिमागी सोच को बदला जा सकता है। एलन मस्क ने कहा कि पहला न्यूरोलिंक प्रोडक्ट उन इंसानों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है जो लकवा ग्रस्त हैं या फिर ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे उनका शरीर असक्षम हो गया है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने दिमाग इस्तेमाल कर बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए स्मार्टफोन चला सकते हैं और अपनी बात लोगों को बता सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कंपनी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो इसका अगला चरण भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। एलन का मानना है कि 2040 तक आते आते ये चिप ऐसे काम करने लग जाएगी जो दो इंसान इन चिप को लगा लेंगे और उन्हें आपस में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इस चिप की मदद से ही आपस में बात कर लेंगे। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन नासा के अंतरिक्ष में लैब की तरह काम करने वाला स्पेस स्टेशन है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत मायने रखता है। इसे अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का दूसरा घर भी कहा जा सकता है। नासा ने नवंबर 1998 में लॉन्च किया था। ISS एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी स्पेस लैब है, जो 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाती रहती है। इसका वजन 450 टन है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम शामिल हैं। ब्राजील 2007 में इस प्रोग्राम से अलग हो गया था। ISS में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ 6 से 8 लोग 6 महीने तक रह सकते हैं। इस पर पृथ्वी से उड़ान भरने वाले बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भी उतारे जाते हैं। वहीं अब बताया जा रहा है कि 2024 तक इसे सेवा मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस स्पेस स्टेशन के जाने से नासा यही नहीं रुकने वाला है। बताया जा रहा है कि 2030 तक मैन मिशन मार्स के लिए प्लान किया हुआ है और वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है। 2036 तक नासा दो स्पेस रोवर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे सबसे नजदीक तारे अल्फा सेंट्रोट्री की तरफ भेज सकता है। यह बताया जा रहा है कि ऐसा भी ग्रह है जहां जीवन मिलने की संभावना है, लेकिन इस रोवर को वहां पहुंचने में 20 साल का समय लगेगा। वहीं एलियन की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 का इंतजार भी करना होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और क्लीन एनर्जी। दोस्तों, जिस तरह से आज पेट्रोल डीजल की खपत हो रही है, उससे लगता है कि जल्द ही खत्म हो जाएंगे, और अगर हमें नए कुएं नहीं मिले तो 2050 तक सारे कुएं खाली हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, ना ही बिजली बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल। इसका ये असर होगा कि 2070 तक आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्वीट हो जाएंगे। फिर पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नजर आएंगे। इसके अलावा स्मार्ट हाईवे बनाने की भी बात चल रही है, जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो जाएगी, उसे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के सेक्टर में भी काफी बदलाव आने वाला है। 2070 तक हम पूरी तरह सोलर और विंड एनर्जी से बिजली तो बना ही रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर प्लांट से मिलेगी। चीन अभी आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है। ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, जिससे कोई रेडिएशन एक्टिव नहीं निकलेगा, और ज्यादातर देश ऐसे ही बिजली बनाएंगे। साल 2045 आपको थोड़ा डरा सकता है, यानी कि तकनीकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इम्प्लांट करा लेंगे, जिससे मशीन के साथ साथ हम भी लगातार विकसित होते रहेंगे। दोस्तों, भविष्य की ये बातें कुछ डराती भी है तो कुछ उत्साहित भी करती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्य क्या लाने वाला है।